उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी, उसमें डालेंगे गोल्डन डस्ट पाउडर। थोड़ा सा बाइंडर डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, अगर बाद में ज़रूरत लगे तो हम और डालेंगे। तो इसको ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से, तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह से घोल लेना है ताकि ये पूरा स्मूथ हो जाए।